हेलो फ्रेंड, आज से ऑनलाइन क्लासेस चालू हो चुकी हैं। तो हम आपको हिंदी से संबंधित सबसे पहले हम आपको शब्द परिचय के बारे में अध्ययन कराएंगे। शब्द परिचय के बारे में अध्ययन कराएंगे कि शब्द क्या है, शब्द के कितने भेद हैं और किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम आपको बताएंगे आपका शब्द। तो शब्द के संबंध में समझिएगा, शब्द क्या है। तो शब्द होता है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो एक नया सार्थक शब्द बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, शब्द। शब्द के कई भेद हैं, जैसे है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द जो है तीन प्रकार का रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर। तो इसके आधार पर ये तीन प्रकार का रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और तीसरा है आपका यौगरूढ़ शब्द। दूसरा है आपका प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर यह दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका विकारी शब्द और जो दूसरा है वह है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द तो प्रयोग के आधार पर दो प्रकार का, एक है आपका विकारी शब्द और जो दूसरा है आपका अविकारी शब्द। इसके साथ ही साथ जो तीसरा है, यह तीसरा है आपका उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द कई प्रकार के हैं, जिसमें से आपका तत्सम शब्द, दूसरा है आपका तद्भव शब्द, तीसरा है आपका देशज शब्द, इसके बाद आपका है विदेशज शब्द, इसके बाद आपका है संकर शब्द। इसके बाद आपका एक और प्रकार है, जो एक आपका और भेद है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जो आपका एक नया भेद है, एक ये रहा, ये आपका दूसरा, ये तीसरा भेद। जो चौथा भेद है यह है आपका अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं, इसके दो भेद कौन कौन से हैं। पहला आपका है सार्थक शब्द, दूसरा जो भेद है आपका वह है निरर्थक शब्द के कोई भेद नहीं होते हैं, लेकिन सार्थक शब्द के जो भेद होते हैं, इसके चार भेद हैं। पहला कौन सा है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एकार्थी शब्द, दूसरा है अनेकार्थी शब्द, तीसरा है विपरीतार्थी शब्द को ही विलोम शब्द भी कहा जाता है। जो अगला है आपका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, जो चौथा, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है अनेकार्थी शब्द। दोस्तों, इसके संबंध में आप समझिएगा कि शब्द के संबंध में आप समझिए दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने हुए सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं।
और जो शब्द होता है यह इसके चार भेद, चार प्रकार से होता है। एक होता है रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर, तो रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर यह तीन प्रकार का होता है। एक है आपका रूढ़ शब्द, दूसरा आपका यौगिक शब्द, इसके बाद आपका है यौग रूढ़ शब्द। और प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद हैं इसके तीन भेद, दो भेद। एक होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द, और जो अर्थ यहाँ पे आपका जो उत्पत्ति के आधार पर है इसके चार पांच भेद, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। इसके साथ यहाँ पे देखिएगा अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर ये जो भेद होते हैं ये आपका है सार्थक शब्द, दूसरा जो भेद है ये दूसरा भेद आपका है निरर्थक शब्द। और इसके बाद निरर्थक शब्द जो होता है इसके तो भेद नहीं है, लेकिन जो सार्थक शब्द है इसके चार भेद हैं। सार्थक शब्द के चार भेद, एक है आपका एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा विप्रार्थी शब्द, इसके बाद पर्यायवाची, पर्यायवाची को ही समानार्थी शब्द के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा हम एक एक शब्द को पढ़ेंगे। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, तो रूढ़ शब्द के संबंध में आप ये समझिए कि रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है, तो ऐसे शब्द जो सार्थक खंडों में न टूटे। यदि सार्थक खंडों में नहीं टूटता है तो वह क्या कहलाता है, आपका रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे यहाँ पे ध्यान रखिए कि रूढ़ शब्द है क्या, तो रूढ़ शब्द के संबंध में हम इसे मिटाते हैं और आगे चलते हैं, बारी बारी से एक एक की चर्चा करते हैं। तो रूढ़ शब्द, तो रूढ़ शब्द के संबंध में आप समझिए क्या है, क्या है रूढ़ शब्द, तो रूढ़ शब्द जो है ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड न हो। यदि सार्थक खंड नहीं होता है तो वह क्या कहलाता है, आपका रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे ध्यान रखिए, जैसे है आपका चावल, चावल आपका है, अब पूछा जाए कि चावल कैसा शब्द है, तो चावल को दो भागों में अगर हम तोड़ा जाए तो तोड़ेंगे तो ये होगा आपका चाव और धन ल। यहाँ पे न तो कोई अर्थ चाव का कोई अर्थ होता है और यहाँ तो न तो कोई ल का अर्थ होता है, तो चाव का भी कोई अर्थ नहीं है और ल का भी कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यह चावल जो है शब्द की दृष्टि से अगर देखा जाए यह रूढ़ शब्द है। जैसे हम लिख दें आटा, आटा लिख रहे हैं, तब इसको अगर तोड़ा जाए ये होगा आ और फिर क्या होगा टा। यहाँ पर ना तो कोई आ का अर्थ है और ना ही यहाँ पे कोई टा का अर्थ है, ना तो आ का अर्थ है और ना ही टा का अर्थ है, तो इस आधार पे भी यह आपका कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द है। ध्यान रखिए, जैसे हम कह दें गेहूं, गेहूं है, तो अब इसके दो भागों में अगर तोड़ें तो आपका ये होगा गे और धन क्या होगा। अब यहाँ देखिए ना तो कोई गे का अर्थ है और ना ही यहाँ कोई हूं का अर्थ है, तो इस आधार पे यह कैसा शब्द है आपका, कि आपका कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द है। तो रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है, ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड न हो। यदि सार्थक खंड नहीं होगा निश्चित रूप से यह कैसा शब्द आपका कहलाएगा, रूढ़ शब्द। खत्म हो गया। हम आगे चलते हैं यौगिक शब्द पे, यौगिक शब्द कहा किसे जाता है। यौगिक शब्द था अभी तक हम आपको रूढ़ शब्द बताए, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड न हो वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका यौग रूढ़ शब्द है। यौग रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है, यौग रूढ़ शब्द के संबंध में आप समझिएगा, जो यौग रूढ़ शब्द है इसका सार्थक खंड होता है। यहाँ पे क्या था, इसके सार्थक खंड, रूढ़ शब्द के सार्थक खंड नहीं होते थे, लेकिन यौगिक शब्द के सार्थक खंड होगा, यौगिक शब्द का सार्थक खंड होगा। जैसे देखिए, ऐसे शब्द जिनको दो भागों में तोड़ लिया जाए, तोड़ने के पश्चात दोनों का कोई न कोई अर्थ हो, तो वहां पे हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द। जैसे लिखा जाए विद्यालय, हमने लिखा विद्यालय, अब विद्यालय हमने लिखा, इसको दो भागों में अगर तोड़ा जाए तो ये आपका होगा विद्या और धन आलय, विद्या धन आलय। अब यहाँ से दो भागों में देखिए, तो विद्या का जो अर्थ होता है, विद्या का अर्थ क्या होता है, ज्ञान, और आलय है, सॉरी आलय, तो आलय का जो अर्थ होता है, आलय का अर्थ होता है घर। तो यहाँ पर विद्या का जो अर्थ है वो है ज्ञान, और आलय का जो अर्थ है वह आपका है घर। तो इस प्रकार से विद्यालय आपका कैसा शब्द रहा, यौग रूढ़ शब्द। जैसे हम कहें हिमालय, हिमालय,
अब हिमालय को तो हिमालय के संबंध में देखिए, इसे तोड़ेंगे ये आपका क्या होगा हिम, और धन आपका क्या होगा आलय। अब देखिए हिम का अर्थ क्या होता है बर्फ, और आलय का जो अर्थ होता है वह आपका क्या होता है घर होता है। तो इस प्रकार से ये कैसे शब्द रहे आपके यौगिक शब्द। तो हमने रूढ़ शब्द में बताया, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड ना हो रूढ़ शब्द कहलाता है। साथ ही साथ हमने बताया कि यौग रूढ़ शब्द क्या है, यौग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड हो, सार्थक खंड में यदि टूटते हैं निश्चित रूप से ये कैसा शब्द आपका कहलाता है यौग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कंफर्म हो दोस्तों। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं कि यौग रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है, यौग रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है। तो यौग रूढ़ शब्द के संबंध में आप समझिए कि ऐसे शब्द जिनको जो सार्थक खंड हो, सार्थक खंडों में टूटे लेकिन उन दोनों शब्द मिल करके एक कोई नया अर्थ दे, कोई नवीन अर्थ धारण करे, तो वो कहां क्या कौन सा शब्द कहलाता है आपका यौग रूढ़ शब्द। जैसे देखिए, जैसे यहां पर देखिए, जैसे हमने कहा पीतांबर। अब पीतांबर पूछा जाए पीतांबर कैसा शब्द है, तो पीतांबर है इसको हम दो भागों में तोड़ेंगे, ये आपका होगा पीत, पीत और धन क्या होगा अंबर। देखिए पीत माने क्या होता है, पीत का अर्थ होता है पीला, और अंबर का अर्थ क्या होता है, अंबर का अर्थ होता है आपका वस्त्र, जिसके वस्त्र पीले हो अर्थात कृष्ण। ये कैसा शब्द कहलाया आपका यौग रूढ़ शब्द। जैसे हमने आपको लिखे लिखा है वीड़ा पाण, वीड़ा पाण पूछा जाए कि वीड़ा पाण कैसा शब्द है, तो वीड़ा पाण कैसा शब्द है इसको दो भागों में आप तोड़िए, तो ये आपको होगा वीड़ा और धन पाण। अब यहां देखिएगा जो वीड़ा का अर्थ होता है, वीड़ा का अर्थ तो वीड़ा होता है लेकिन पाण का जो अर्थ होता है वह क्या होता है आपका हाथ, अर्थात जिसके हाथ में वीड़ा हो, अर्थात दोनों पद मिल करके किसको इंगित कर रहे हैं सरस्वती को। तो हमने आपको बताया यौग रूढ़ शब्द क्या है, तो यौग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनको दो भागों में तोड़ा जाए, दो भागों में टूट जाए, और उन दोनों भागों में तोड़ने के पश्चात उनका कोई सार्थक अर्थ हो, सार्थक अर्थ होने के साथ साथ उनका कुछ विशेष अर्थ हो, विशेष अर्थ यदि होता है तो निश्चित रूप से आपका क्या कहलाता है यौग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कंफर्म हुआ। जैसे हम लिखें दशानन, अब पूछा जाए कि दशानन कैसा शब्द है, दशानन, दशानन कैसा शब्द, तो दशानन भी आपका यौग रूढ़ शब्द है। कैसे यौग रूढ़ शब्द है इसको दो भागों में तोड़िए, दो भागों में तोड़ा जाएगा ये होगा आपका दस और धन आनन, दस माने दस और आनन माने मुख, जिसके दस मुख हो अर्थात कौन है आपका रावण। तो इस प्रकार से यह भी आपका कैसा शब्द है यौग रूढ़ शब्द। जिसमें एक प्रश्न है आपका जो बहुत परीक्षाओं में पूछा जा रहा है पंकज, पंकज आपका कैसा शब्द है, तो पंकज भी आपका कैसा शब्द है यौग रूढ़ शब्द है। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो पंक का जो अर्थ होता है, देखिए इसे तोड़ा जाएगा तो पंक और धन क्या है आपका जय, तो पंक का जो अर्थ होता है, पंक का अर्थ होता है कीचड़, कीचड़, और ज का अर्थ होता है जन्मा, जन्म लेना, जन्मा या पैदा होना विकसित होना, तो कीचड़ में जिसका जन्म हुआ हो अर्थात कमल, कमल। तो इस प्रकार से दशानन, लंबोदर, पंकज, वीड़ापाण ये सारे शब्द किस प्रकार के शब्द हैं, ये सारे शब्द जो है आपके यौग रूढ़ शब्द हैं। कंफर्म हुआ दोस्तों। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार का होता है, तो प्रयोग के आधार पर हमने आपको शब्द के बताया कि प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार का होता है। प्रयोग के आधार पर कौन कौन सा था, एक था आपका भिखारी शब्द, भिखारी शब्द। तो सबसे पहले हम ये संबंध में समझेंगे कि भिखारी शब्द है क्या, तो भिखारी शब्द, भिखारी शब्द होते क्या हैं, ऐसे शब्द, भिखारी शब्द का आशय ऐसे शब्द जिनका लिंग वचन कारक के आधार पर
कारक के आधार पर रूपांतरण और परिवर्तन हो जाता है। ऐसे शब्द को हम विकारी शब्द कहते हैं। अर्थात फिर समझिएगा कि ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और कारक के आधार पर जिन शब्दों का रूपांतरण और परिवर्तन हो जाता है, बदल जाते हैं वे शब्द, वैसे शब्द जो है आपके क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। तो आप थोड़ा सा यहाँ नोट में समझिएगा कि जो आपके संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, ये आपके कैसे शब्द हैं? तो विकारी शब्द हैं। जैसे हमने आपको लिखा लड़का, लड़का आपका कैसा शब्द है? तो लड़का आपका विकारी शब्द है। लड़का से आपका क्या बदल जाएगा? ये लिंग परिवर्तन हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। तो ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक के आधार पर जिन शब्दों का रूपांतरण और परिवर्तन हो जाता है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। खत्म हुआ। इसके साथ हम देखेंगे एक है आपका अविकारी शब्द। हमने बताया कि प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के, दूसरा आपका जो प्रयोग है, दूसरा वह है आपका अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द क्या है? परिभाषा आपको रटना नहीं है। परिभाषा इसका क्या है कि ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक के आधार पर जिन शब्दों का रूपांतरण और परिवर्तन नहीं होता है, वे सारे शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी शब्दों को ही हम अव्यय शब्द कह सकते हैं कि सारे अव्यय शब्द जो होते हैं, वे सारे अव्यय शब्द क्या होते हैं? विकारी होता है। जैसे हमने लिखा यथा, यथा यह कैसा शब्द है आपका? विकारी शब्द है। यह शब्द जो है सबके साथ प्रयोग होगा, इसका खर्च नहीं होगा, इसका परिवर्तन नहीं होगा लिंग वचन कारक के आधार पर, यह आपका कैसा शब्द है? अविकारी शब्द है। जैसे हम लिखें और, यह आपका कैसा शब्द है? विकारी शब्द। और का और ही नहीं होता है, और ही है। जैसे हम लिखें तथा, तथा से तथु नहीं होता, तथे नहीं होता, तो ये तथा भी आपका कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। जैसे हम लिखें परंतु, ये भी आपका कैसा है? विकारी शब्द। जैसे हमने लिखें लेकिन, ये भी आपका क्या है? तो विकारी शब्द है। तो ये समझिएगा कि प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार का, एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं कि ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक के आधार पर जिन शब्दों का रूपांतरण और परिवर्तन हो जाता है, ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। हमने बताया कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो शब्द हैं, वे सारे शब्द विकारी शब्द हैं। इसके साथ ही हमने बताया अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या है? तो ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक के आधार पर जिन शब्दों का रूपांतरण और परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। कन्फर्म हुआ। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के पांच भेद हैं। एक है आपका तत्सम, दूसरा है आपका तद्भव, तीसरा है देशज, विदेशज और संकर शब्द। तो हम बारी बारी से एक एक शब्दों को लेंगे। सबसे पहला आपका क्या है? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द के संबंध में समझिए, अगर तत्सम शब्दों को दो भागों में तोड़ा जाए, ये होगा आपका तत् और धन क्या होगा? शम। तत् का अर्थ होता है उसके और शम का अर्थ होता है समान या बराबर। कहने का मतलब कि उसके समान, उसके बराबर, किसके समान? किसके बराबर? संस्कृत के समान, संस्कृत के समान, संस्कृत के बराबर। या आप दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, वे सारे शब्द जो हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। कर्पण हुआ। ऐसे शब्द संस्कृत के शब्द, ध्यान रखिए कि संस्कृत के शब्द जिसे बिना किसी परिवर्तन के हूबहू हम ला दिए हिंदी में, ऐसे सारे शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। कल्पना हुआ। तो हमने बताया तत्सम शब्द, तत्सम दो भागों,
तत् धन सम से मिलकर के बना है। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान या बराबर, अर्थात उसके समान, उसके बराबर, किसके समान, किसके बराबर, तो संस्कृत के समान, संस्कृत के बराबर, अर्थात संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में आए, हिंदी शब्दकोश में आए, ऐसे शब्दों को हमने क्या कहा, तत्सम शब्द कहा। थोड़ा तत्सम शब्द जैसे उदाहरण देखिए, जैसे हम लिख दें आपको अग्नि, अग्नि देख रहे हैं, तो अग्नि ये आपका कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, कन्फर्म हुआ। जैसे ये आज हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है अग्नि, इस तरीके से है शब्द संस्कृत का लेकिन हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है, तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं, कन्फर्म हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं तद्भव शब्द क्या है। तद्भव शब्द कि दोस्तों इसमें से तत्सम और तद्भव से सभी परीक्षाओं में 2 प्रश्न 3 प्रश्न 4 प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इतना नहीं, आपका समीक्षा अधिकारी में तो 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां ध्यान रखिएगा जो नेक्स्ट है आपका वो है आपका तद्भव। अब ध्यान रखिए इसको अगर देखा जाए तो इसे तो ये उसका होता है तद तत् धन भव। तद्भव देखा जाए तो तत् धन भव होता है और तत् का यहां अर्थ होता है उससे और भव का अर्थ होता है उत्पन्न, अर्थात उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न, किससे उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न। ध्यान रखिए तो तद्भव अगर हम परिभाषित करें तो ऐसे शब्द जो हैं तो संस्कृत के लेकिन कुछ रूप परिवर्तन के बाद हिंदी में आए, वे सारे शब्द आपके क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। कर्पण हुआ, हम एक आपको ग्राफ के माध्यम से यहाँ समझाते हैं कि अगर भाषा का विकास देखा जाए तो सबसे पहले भाषा आपकी कौन सी थी, संस्कृत थी। संस्कृत भाषा जो था वह किसमें टूटा, किस भाषा का, देखिए भाषा भी परिवर्तनशील है, भाषा भी बदलती है समय समय पे, तो संस्कृत था। संस्कृत के बाद आपका क्या हुआ, पाली हुआ। पाली के बाद क्या हुआ, प्राकृत। प्राकृत के बाद क्या हुआ, अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद क्या हुआ, अवहट्ट। अवहट्ट के बाद आपका क्या हुआ, हिंदी। और हिंदी के बाद आपका क्या हुआ, मानक हिंदी, या इसी को खड़ी बोली भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिए संस्कृत के शब्द थे जो बिना किसी परिवर्तन के हूबहू सीधा हिंदी में चले आए, वे सारे शब्द जो है क्या कहलाए, तत्सम शब्द कहलाए। इस ग्राफ से देखिए तो आपको कभी नहीं भूलेगा, संस्कृत के शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी अवरोध के सीधा हिंदी में चले आए, वे सारे शब्द जो है आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं, कन्फर्म हुआ। अब यहाँ देखिएगा तद्भव किसे क्या है, तद्भव शब्द किसे कहा जाता है, तो तद्भव शब्द होते हैं वे शब्द जो है तो संस्कृत के थे, पहले ये संस्कृत के थे लेकिन यह पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट से घिस करके थोड़ा रूप परिवर्तन के बाद वो हिंदी में आए, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। ध्यान रखिए जैसे आपका छाया है, छाया आपका कैसा है, तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है, लेकिन ये छाया अब तद्भव इसका क्या हो गया, तो इसका हो गया आपका छां है, देख रहे हैं इसका क्या हो गया आपका छां। जैसे आपका यूपीटीटी में एक प्रश्न पूछा गया था मुख, मुख कैसा शब्द है, तो मुख कैसा शब्द है, मुख आपका तत्सम शब्द है। ये देखिए मुख का तद्भव क्या होता है, मुख का तद्भव होता है मुह। कर्पण हुआ, जैसे देखिए कर्पूर, कर्पूर भी आपका क्या है, संस्कृत का शब्द है, वो हिंदी में हूबहू प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। और इसका जो तद्भव होगा, इसका तद्भव होगा कपूर। कन्फर्म हुआ दोस्तों, जैसे है छीर, छीर है, तो देखिएगा छीर के संबंध में, क्योंकि छीर है तो ये छीर अब किसमें बदल गया, छीर बदल गया खीर में। अब पूछा जाए कि ये छीर कैसा शब्द है, तो छीर आपका तत्सम शब्द है, ये छीर जो है बदल गया किसमें, खीर में, तो ये खीर आपका कैसा शब्द है, तो खीर आपका कैसा है, तद्भव शब्द है। कन्फर्म हुआ दोस्तों, अगला चीजें हम अपने वीडियो में डालेंगे। धन्यवाद।